रोज सुबह को सूरज आकर सबको सदा जगाता है, शाम हुई लाली फैलाकर अपने घर को जाता है। दिन भर खुद को जला जलाकर यह प्रकाश फैलाता है, उसका जीना ही जीना है जो काम सभी के आता है। बच्चों, आज से बेहतर कुछ नहीं है, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। आप सभी को मेरा सुप्रभात। इस सप्ताह की हिंदी की ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए मिलकर ये प्रार्थना गीत सुनते हैं। इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। किसी से भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। का जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। आज है सप्ताह का पहला दिन, तारीख है 4 अक्टूबर 2021, और आज हम एक नया अक्षर सीखेंगे, वो है अक्षर ळ। आइए देखते हैं अक्षर ळ से बनने वाले कुछ शब्द। हमारा पहला शब्द है पेड़। पेड़ हमें शुद्ध हवा देते हैं। हमें सही समय कौन बताता है? वो होती है घड़ी। इस चित्र में यह औरत क्या पहन रही है? साड़ी। ये कौन है जो गेंद से खेल रहा है? ये है एक छोटा सा लड़का। हम सब अपने परिवार के साथ जब घूमने जाते हैं तो हम रास्ते में क्या देखते हैं? गाड़ी। आइए अब हम अक्षर
ड को अपनी हिंदी की अक्षर लेखन की किताब में लिखते हैं। आप सब अपनी बुक में यह पेज निकालेंगे, डेट लिखेंगे 4.10.21 और यह पूरा पेज आप सुंदर तरीके से लिखेंगे। एक नए दिन की ओर बढ़ते हैं। आज तारीख है 5 अक्टूबर 2021। आप सभी अपनी हिंदी की कॉपी निकालेंगे, उसमें डेट डालेंगे 5.10.21 और जैसे चित्र में आप देख सकते हैं मैम ने लिखा है, आप भी बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे अक्षर ड। एक नए दिन का स्वागत करते हैं एक बड़ी सी मुस्कान के साथ। बच्चों, आज तारीख है 6 अक्टूबर 2021 और आज हम सीखेंगे दो अक्षरों को जोड़कर एक नया शब्द कैसे बनाते हैं। आइए देखते हैं दो अक्षर वाले शब्द। अक्षर र और अक्षर थ मिलकर बनाते हैं र थ रथ। अक्षर न और अक्षर ल मिलकर बनाते हैं न ल नल। बच्चों, हमें हमेशा इस्तेमाल करने के बाद नल को कस के बंद करना चाहिए जिससे कि उसमें से पानी न बहे। हमारा अगला शब्द है ब और स को जोड़कर और वो बनता है बस। ध्यान से देखिए इस टोकरी में क्या है। यहाँ है खूब सारे फल। अक्षर फ और अक्षर ल को मिलकर बनता है फल फल। हम सब कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं अपने अपने घर में, घर घर। चित्र देखकर पहचानिए ये कौन सा आभूषण है जो औरतें पहनती हैं। इसे कहते हैं नथ नथ। हमारा अगला शब्द है अक्षर ज और अक्षर ग को मिलाकर और वो बनता है जग जग। बच्चों, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ जानवर रहते हैं? उसे कहते हैं वन वन। क्या आप जानते हैं चिट्ठी को और क्या कहते हैं? उसे कहते हैं खत खत। अगला अक्षर है हल हल। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो समझ आई होगी। तो बच्चों, अब आपको घर पे इन सभी अक्षरों को दोहराना है। एक नया दिन नई उम्मीद के साथ शुरू करते हुए आज की तारीख देखते हैं 7 अक्टूबर 2021 और आज हम सीखेंगे अक्षर श। आइए देखते हैं श अक्षर से बनने वाले कुछ शब्द। श से शलगम, यह एक सब्जी होती है। श से होता है शंख। श से शहद, आपने कभी शहद खाई है? ये बहुत मीठी होती है। श से शीशा, इसे हम दीवार पे लगाते हैं और अक्सर इसमें देख के तैयार होते हैं।
तो बच्चों, अब इन शब्दों को देखने के बाद आइए हम अपनी हिंदी की अक्षर लेखन की किताब में इस अक्षर को लिखते हैं। आप सभी अपनी बुक खोलेंगे, उसमें डेट डालेंगे 7.10.21 और यह पूरा पेज बहुत सुंदर तरीके से लिखेंगे। क्या आप इस लड़की को देख सकते हैं? यह कितनी अच्छे तरीके से अपना काम अपनी कॉपी में कर रही है। बच्चों, आज है एक नया दिन। तारीख है 8 अक्टूबर 2021। तो चलिए हम भी इसके साथ अपनी हिंदी की कॉपी में अक्षर श लिखते हैं। आप सभी अपनी हिंदी की कॉपी निकालेंगे, उसमें डेट लिखेंगे 8.10.21 और यह पूरा पेज बहुत सुंदर तरीके से कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ मैं इस सप्ताह की हिंदी की ऑनलाइन वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। बच्चों, हम जल्द ही मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब घर पे रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।